गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम देखेंगे एनिमल्स एंड देयर साउंड्स। एनिमल्स एंड देयर साउंड्स, तो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी प्रकार के एनिमल्स या बर्ड्स हो, सारे का आवाज डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है या सेम भी होता है। फर्स्ट बर्ड्स आप नॉर्मली देखोगे तो सेम ही रहता है उसका, कुछ बर्ड्स का ही डिफरेंट होता है, लेकिन एनिमल्स डिफरेंट आवाज होते हैं, तो वो आज अपने यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट है BIRDS, बर्ड्स। तो बर्ड्स कैसे आवाज करता है, कैसे साउंड होता है उसका, चिप 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 चिप, तो वो स्पेलिंग होगा बर्ड्स का CHIRP, चिप, उसको बोलेंगे CHIRP, चिप, बर्ड्स चिप। अब सेकेंड में देखेंगे DOGS, डॉग्स। तो डॉग्स कैसे आवाज करता है, आप घर के बाहर देखा ही होगा आपने, कैसे आवाज करता है वो साउंड, भौ 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 भौ, तो उसको लिखेंगे इंग्लिश में बार, BARK, तो डॉग्स बार, COWS, काउस, नंबर होगी में COWS, काउस। तो काउस कैसे आवाज होता है, उसका साउंड कैसा होता है, मो 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 मो, तो वो स्पेलिंग भी लिखेंगे अपने एम डबलो मो। फिर CATS, कैट। कैट का जो आवाज होता है बहुत ही स्वीट होता है, जैसे कि म्याओ 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 ऐसे आवाज करता है वो, तो वो स्पेलिंग कैसे लिखेंगे अपने, MEOW, म्याओ, CATS, कैट्स, MEOW, म्याओ। फिर नंबर 5 है COCKS, कॉक्स। कॉक्स कैसे आवाज करता है, क्रॉक 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 क्रॉक, ऐसे साउंड्स होता है उसका, उसका स्पेलिंग होगा स्टूडेंट्स CROKKS, क्रॉक, कॉक्स क्रॉक। नंबर 6 में पहुंचेंगे LIONS, लायंस, और नंबर 7 PIGRS, टाइगर्स। लायन हो या टाइगर हो, ये दोनों एनिमल्स का साउंड सेम ही रहता है। तो फर्स्ट नंबर 6 का देखेंगे LIONS, लायंस का। लायंस का साउंड कैसा होगा, रॉ रॉ रॉ। आप जंगल में जाते हो घूमने के लिए तो आपने देखा ही होगा, जैसे कि आप कांकरिया गए हो यहाँ पर, तो कांकरिया में आपने देखा ही होगा लायन टाइगर, तो वो कुछ टाइम अपना आवाज भी बताता है, तो वो आवाज कैसे होता है लायंस का, ROAR, रॉ। नंबर 7 में TIGERS, टाइगर्स। टाइगर्स का भी सेम आवाज होगा, जैसे लायन साउंड करता है वैसे ही टाइगर भी साउंड होता है, ROAR, रॉ। तो लायन हो या टाइगर हो, दोनों का, दोनों एनिमल्स का साउंड कैसा होगा स्टूडेंट्स, रॉ रॉ। फिर नंबर 8 में एलिफेंट्स, ELEPHANTS, एलिफेंट्स। एलिफेंट साउंड कैसा होता है, एलिफेंट कैसे साउंड निकलता है अपने माउथ से, तो वो होगा ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट, एलिफेंट्स ट्रम्पेट। अब नंबर 9 में HORSES, हॉर्सेस। हॉर्सेस कहाँ रहता है, स्टेबल में रहता है, कुछ नदी के किनारे में भी होता है जिसमें आप हॉर्स राइडिंग करते हो। हॉर्सेस कैसे साउंड निकलता है, उसका साउंड होगा नी नी नी, बहुत ही स्लोली आवाज होता है, तो वो स्पेलिंग होगा NEIGHS, नी, फिनिश, हॉर्सेस नी। नंबर 10 में MONKEYS, मंकीज। मंकीज आपने देखा ही होगा, कांकरिया में भी देखा होगा मंकीज, जंगल में भी मंकीज होता है, या आपके घर के बाहर भी कुछ दिन में आता ही होगा, तब आपने देखा होगा मंकीज में भी स्टूडेंट्स बहुत सारे मंकीज होता है। ओके, तो मंकीज, नॉर्मल मंकीज का साउंड कैसा होता है, चैटर चैटर चैटर, चैटर का स्पेलिंग CHAPPER, नॉर्मली बुक 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 ऐसे आवाज करता है, लेकिन जब हमने स्पेलिंग से लिखेंगे तो मंकीज का साउंड कैसा होगा, चैटर। ओके, अपने ने 1 to 10 एनिमल्स एंड देयर साउंड्स देख लिया है, तो अभी वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। BIRDS, बर्ड्स, CHIRP, चिल, बर्ड्स चिल, DOGS, डॉग्स, BARK, बार्क,
dogs, bark. C-O-W-S, cows. M-W-O, moo. Cows, moo. C-A-T-S, cats. M-E-O-W, meow. Cats, meow. C-O-C-K-S, fox. C-R-O, A-K, croc. L-I-O-N-S, lions. R-O-A-R, roar. Lions, roar. T-I-G-E-R-S, tigers. R-O-A-R, roar. वापस बता रही हूँ, lions का भी roar होगा, tigers का भी सब roar होगा. एक नंबर, E-N-D-P-H-A-N-T-S, elephants. T-R-U-M-P-E-T, trumpet. Elephants, trumpet. H-O-R-S-E-S, horses. N-E-I-G-H, knee. इसको कैसे बोलना है? Knee. Horses, knee. M-O-N-K-E-Y-S, monkeys. Chatter, C-H-A-T-T-E-R, chatter. Monkeys, chatter. वापस एक बार, birds, chick. Dogs, bark. Cows, moo. Cats, meow. Fox, croak. Lions, roar. Tigers, roar. Elephants, trumpet. Horses, knee. Monkeys, chatter. Okay, आज अपने ने animals and birds और their sounds देख लिया. Okay, ये आपको पता चल गया होगा कि कौन सा animal कैसे sounds से बात करती होगी. Okay, तो ये आपको घर पे करना है 3 times. Homework में आपको घर पे करना है 3 times. ओके, जैसे आप रेगुलरली करते ही होंगे 2 times देखकर करना है स्टूडेंट, और 1 time बिना देखे करना है. 3 times अच्छी तरह से लिख लो, पढ़ लो, फिर 4th time भी आप बिना देखे प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब आप लिखते हो तो मुंह से बोलो, वर्ड्स लिखोगे तो बोलो डी आई आर डी एस बर्ड्स.